गुड आफ्टरनून, हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, उसी में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कि कैसे हमें ड्राइंग शीट पे अपनी जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा वन बाय वन अलग अलग तरीके के कई सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और इसको बड़ी ध्यान से अगर आप यहाँ समझ लेते हैं और साथ ही साथ अगर आप एक रफ पेज पे भी इसको ड्रॉ कर लेते हैं और इन सारे के एवज में अगर आप एक या दो शीट भी घर पे ही अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से करिएगा और जैसे ही हम बताएंगे उसको तुरंत पॉज करके आप एक्यूरेटली उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इवन आप शीट पे भी ना बना के रफ पे भी अगर आप मेजरमेंट से बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ जैसे बताता हूँ तो वैसे का वैसे स्टेप फॉलो करके अगर आप अपने रफ पेज पे ही या कॉपी पे ही A4 शीट पे ही अगर आप उसको स्केल पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं तो भी समझ लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एग्जाम में कर लेंगे। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस उसी दिन आज ही प्रायः आज ही कर लीजिए, बिकॉज कि अगर आप प्रैक्टिकल अपने हाथ से करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जैसे ही आप ड्राइंग खुद बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि वो आपके दिमाग में सारी चीज़ें घुस गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं भूलेगी। ठीक है, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एक दिन पहले आप देख के बस ऐसे पन्ने पलटते जाएंगे, देखते जाएंगे, पन्ने पलटते जाएंगे और आप एग्जाम में जाके एक्यूरेटली बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं आएगी। तो मेरे साथ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे साथ साथ ही जैसे मैं बताऊंगा तुरंत वीडियो पॉज करके आप उस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, देख चुके होंगे, बिना देखे आप तुरंत वीडियो की तरफ आप अपनी कॉपी पे उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। मैं जब बताऊंगा क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद उसका मेथड समझ लीजिए। मेथड समझने के बाद जैसे ही मैं उसको ख़त्म करता हूँ उसके बाद आप उसको पॉज कर दीजिए, अपनी रफ कॉपी पे उसको जैसे मैंने बनाने की कोशिश की वैसे बनाने की, अपने दिमाग से बिना कॉपी किए। अगर आपको कहीं लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ तो भी आपको पलट के नहीं देखना, पहले अपना दिमाग यूज़ करना है। जब एकदम लगे कि नहीं अब एकदम हमें नहीं आया है, फिर से हमें देखना ही पड़ेगा, देन यू अगेन बैक कीजिए, फिर से उसको सोल्यूशन देखिए कैसे किया है। ठीक है, और जब तक आप एक्यूरेटली ना कर लें तब तक अगले क्वेश्चन पे मत जाइए, क्योंकि ऐसा करने से ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी मेरा लेक्चर होगा आप उसके साथ जितने टाइम का लेक्चर है उसके आधा टाइम और लगेगा आपको ड्रॉ करने में। ठीक है, और मान के चलिए कि अगर एक घंटे का लेक्चर है तो एक घंटा लेक्चर सुनना और आधा घंटा आपको बनाना, डेढ़ घंटे में ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा विद इट्स क्वेश्चंस आल्सो, कि अगर वाइवा के भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो न्यूमेरिकल करने पे क्लियर होते जाते हैं, आप खुद देखिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या। ओके, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन है, अ पॉइंट इज 35 mm अबव HP एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। क्लियर, तो सबसे पहला जो हमारा काम है कि आप सबसे पहले जो स्टेप्स मैंने बताए थे वो स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आपको ये स्टेप लिखना नहीं है एग्जाम में, आप मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए, ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये स्टेप फॉलो करने, आदत बना लीजिए इसकी। सबसे पहला काम, आपको जो भी दिया उसकी लोकेशन फाइंड किया, और लोकेशन को हम जो बताते हैं कि क्वाड्रेंट, सबसे पहले उसका क्वाड्रेंट फाइंड कीजिए कि क्वाड्रेंट क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉइंट सिचुएटेड है। जैसे ही ये बात आपको पता चल जाएगी कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट सिचुएटेड है तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल प्रोजेक्शन में आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको अगर क्वाड्रेंट पता चल गया, ठीक है, तो उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू कहाँ कहाँ बनेगा। ये पहले ही देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये पहले डिसाइड करना, आप सोचेंगे कि अरे वो तो हमें पता ही है कि क्वाड्रेंट पता चल गया फ्रंट व्यू टॉप व्यू का, नहीं, ये आप यहाँ डिसाइड कीजिए। इसको डिसाइड करने में आपको सेकंड्स लगेंगे, 2-3 सेकंड दिमाग को सोचना पड़ेगा और एक रफ वर्क करना पड़ेगा। देखिए बट इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया है कि हम हमेशा 35 mm अबव HP और 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, हम हमेशा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में पलट देते हैं, हम उल्टा कर देते हैं, जो हमें फ्रंट व्यू में बनाना था वो हम टॉप व्यू में बनाते हैं और जो टॉप व्यू में बनाना होता है वो फ्रंट व्यू में बना देते हैं। इससे पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है और सिर्फ ये कुछ सेकंड लेगा जिससे ये श्योर कर देगा कि अब आप क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है,
एंड देन उसके बाद ये दोनों काम करने के बाद देन आप ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ प्रोजेक्शन, ठीक है, देन प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिए, पहले ही मत भागिए प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए। देखिए मैं अभी की बात अलग है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लें, मेरे को प्रैक्टिस है, मैं डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, आपने दसियों क्वेश्चन लगा लिए इसके, उसके बाद आपसे कहा जाए तो आपको ज़रूरत नहीं है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ये एक अच्छी आदत है, इसको बना लीजिए थे, और इसको लिखना नहीं आपको याद करना। अब देखिए क्वाड्रेंट पता करने और फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, ये डिसाइड, इसका मतलब ये है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू डिसाइड करने का मतलब कि कहाँ बनेगा ये आपको पता करना है। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बन रहा है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो आपका फ्रंट व्यू ऊपर होगा, टॉप व्यू नीचे होगा, बट अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है तो आपका टॉप व्यू ऊपर हो जाएगा, फ्रंट व्यू नीचे हो जाता है, वो चीज़ फाइंड करने की बात मैं कह रहा हूँ, जिससे कि कभी कोई गलती ना हो। अभी देखिएगा ये भी एक क्वेश्चन करेंगे, एक हम और क्वेश्चन करेंगे थर्ड एंगल का, तो इसके दो तरीके हैं आपको क्वाड्रेंट और ये दोनों चीज़ें डिसाइड करने के, दो तरीके, एक तो ये कि आप यहाँ पे नोट कर लें, आपने देखा 35 mm अबव HP, HP से ऊपर, दिमाग में सोच रहे हैं HP से ऊपर, 45 mm इन फ्रंट ऑफ VP और VP के सामने, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आपने यहाँ लिख लिया कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपको पता है कि XY लाइन ये होगी, ये फ्रंट व्यू होगा, ये टॉप व्यू, आपने ऐसे बना लिया, तो ये एक तरीका है कि ऐसे आपने बना लिया, ठीक है। और एक तरीका ये है कि आप उसमें देख लीजिए डायग्राम बना के, मन करे आप 3D पिक्चर बनाइए, अब मन करे आप सिंपल 2D डायग्राम बनाइए, तो 2D ही बहुत है, आपको 3D पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप बना सकते हैं आपकी इच्छा, ठीक है। तो हम 2D पिक्चर में ही चीज़ें देख लेते हैं, हमने ऐसे बनाया और हमारा ये हो गया HP, ये हो गया VP, ठीक है, हमने देखा 35 mm अबव HP, अब अबव HP है तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा, ठीक है, और 40 mm इन फ्रंट, तो हम क्या कहते हैं कि अबव HP, तो हम ये पॉइंट यहाँ बना लेते हैं, ये देखिए ये हो गया आपका अबव HP 35, ठीक, और ये 40, ठीक। तो अब क्या होगा कि यहाँ से अब आपने देखा कि अब आपको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डायग्रामेटिकली जाए, क्योंकि आपको पता है कि VP है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये घूमेगा और फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, फ्रंट व्यू सामने से जो देखेंगे वो कौन सा दिखाई देगा, गलती होने के चांसेस कम, डायग्राम बना लिया तो, फ्रंट व्यू से जब देखेंगे भाई ये 3D अगर बनाते हैं तो फ्रंट व्यू सामने से देखेंगे, ये फ्रंट व्यू में दिखेगा, ये वाली लेंथ ऊपर से देखेंगे तो दिखेगी, बात समझ में आई। तो सिंपल सी बात है कि जब आप टॉप व्यू बनाने जाएंगे तो 40 mm ध्यान रखिएगा टॉप व्यू में बनेगा और 35 mm जो है वो फ्रंट व्यू में बनेगा, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको अब देखिए यहाँ भी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि XY लाइन में, जैसा मैंने पहले बताया था, बहुत लोगों की आदत होती है कि वो प्रोजेक्टर लाइन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, उस प्रोजेक्टर लाइन पे पॉइंट्स डिफाइन कर देते हैं, देन उसके बाद एक्सटेंशन लाइन एंड देन डायमेंशन लाइन, ठीक है। मेरा मानना ये है कि हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो इट इज़ बेटर। व्हाई दिस इज सो, बिकॉज कि हम डायमेंशन लाइन बना रहे हैं, फिर एक्सटेंशन लाइन बना रहे हैं, तब हम अपनी प्रोजेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि अगर कोई लाइन में गलती है, कटिंग है, वटिंग है, वो पहले ही गलती हो जाएगी, हमारे मेन प्रोजेक्शन ड्राइंग में नहीं होगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि हमें पॉइंट के केस में प्रोजेक्शन लाइंस जो हैं वो बहुत ही डिम चाहिए होती हैं, जितनी ज़्यादा वो डिम होगी, दिखे ना, वो अच्छा है, क्योंकि हमें ये पता चलना चाहिए कि पॉइंट का प्रोजेक्शन है, वरना पता चला हमने प्रोजेक्शन बनाया और एग्जामिनर कन्फ्यूज़ हो गया कि यार हमने ये लाइन का प्रोजेक्शन बना दिया है या पॉइंट का प्रोजेक्शन बनाया है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट से आप स्टार्ट कीजिए, आपको पता है कि ऊपर में फ्रंट व्यू होगा, नीचे टॉप व्यू होगा, फ्रंट में आपको 35 दिखेगा, तो यहाँ से आप 35 mm ऊपर स्केल से एक लाइन खींच दीजिए, एरो लगा दीजिए, एक्सटेंशन लाइन खींच दीजिए, इसका नाम वो कर दीजिए 35, ठीक है, हमेशा अलाइंड आपको करना है, आपको पता ही है, ठीक है। इसी के नीचे अब आपको पता है कि टॉप व्यू में 40 दिखेगा, तो इसके नीचे इसी को एक्सटेंड कर दीजिए नीचे की तरफ, ठीक है, इसको नंबरिंग कर दीजिए, एरो कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, लेटरिंग 40 mm नहीं लिखा था, याद है आपको, एक्सटेंशन लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। सफिशियंट दूरी पे जाके आपको पता है कि इसी कहीं पॉइंट पे आपको वो पॉइंट का प्रोजेक्शन मिलेगा, तो कितनी भी दूरी पे जाइए, कितनी भी दूरी पे जाइए, इसका जो एक प्रोजेक्शन है, कौन सा ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है, और फ्रंट व्यू आपको क्या बताता है, HP से उस पॉइंट की कितनी दूरी है, हॉरिजेंटल प्लेन से दूरी होती है और बनती किस पे है, वर्टिकल प्लेन पे, फ्रंट व्यू पे,
ध्यान रखिएगा, इसी गलती की बात मैं कर रहा था कि अगर आप ये चीज़ नहीं बनाएंगे या ये काम लिख के नहीं करेंगे तो आप क्या देखेंगे, 35 mm अबव HP एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो आपने कहा वर्टिकल प्लेन से, आपने दिमाग में सोचा VP का मतलब वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में 40 mm, तो वर्टिकल प्लेन में जो बनेगा वो फ्रंट व्यू में बन जाएगा, आपने 40 mm यहाँ ठोक दिया। और HP हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला टॉप व्यू में बनता है तो नीचे 35 मार दिया, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका पलट जाएगा, ये 40 कर देंगे आप, ये 35 का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ये ध्यान रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो दूरी होती है वो आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देती है और वर्टिकल प्लेन पे जाके बनती है प्रोजेक्शन, मैंने पहले भी बताया है, ध्यान रखिएगा। ऐसे बनाया एंड देन उसके बाद आपने यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ की, इसको एक्सटेंड किया और ये लाइन जहाँ जाके कट हो रही है, या अगर आप ये न भी बनाएंगे तो भी चलेगा, कई बार इसको बनाने का मिटा भी दिया था तो भी चलता है, नहीं भी मिटाएंगे तो भी चलेगा। मैंने पहले भी बताया था कि आप ये सारी लाइंस जो भी हैं, ये सारी लाइंस जो आप ड्रॉ करने के लिए काम कर रहे हैं, ये सारी लाइंस आप किस में करेंगे, 2H और 2H में कर सकते हैं या और ज़्यादा 3H में कर सकते हैं, ठीक है, 2H या 3H करिएगा, इससे ज़्यादा जाने में भी दिक्कत होती है, पेंसिल ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, गलती से अगर आपकी फिनिशिंग लाइन खींचने की आदत अच्छी नहीं है, फाइन आप नहीं ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, थोड़ा भी दबाव डाला आपने तो पेज फट सकता है। तो 2H या 3H से ड्रॉ करेंगे। और ये जो आपने लास्ट में क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट का प्रोजेक्शन है, तो जो प्रोजेक्शन ओरिजिनल हमारा है उन दोनों को आप क्या करेंगे, उन दोनों को आप HB पेंसिल से एक बार हाईलाइट कर देंगे, HB पेंसिल से, जैसे कि थोड़ा सा वो ब्राइट दिखे, ठीक है, तो आपका ये प्रोजेक्शन ड्रॉ हो गया। ऐसे ही प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, आपने नंबरिंग नहीं की है, तो ध्यान रखिएगा कि टॉप व्यू में जो होता है, टॉप व्यू मैं बार बार बता रहा हूँ, टॉप व्यू, मैं नीचे ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू ऊपर चला जाए, बट टॉप व्यू को कभी भी, अगर मान लें कि ये पॉइंट P है, पॉइंट इज, तो पॉइंट P है तो इसका टॉप व्यू में जो प्रोजेक्शन होगा वो स्मॉल लेटर सिंपल से लिखा जाएगा, और जो फ्रंट व्यू होता है ये एक कन्वेंशन है, माना जाता है, तो इसको P डैश से किया जाता है, ठीक है, दोनों ही लेटर स्मॉल होंगे, एक डैश से होगा एक नॉन डैश से होगा, बट ध्यान रखिएगा कि अगर ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता या थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो ये पूरा पिक्चर पलट गई होती और टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे, और फिर भी ऊपर होने के बावजूद भी टॉप व्यू में P में डैश नहीं लगता। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, जब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग पूछ देता है वो टॉप व्यू ऊपर बनाते हैं और आदत होती है ऊपर में डैश लगाने की, वो वहाँ भी डैश लगा देते हैं। देखिए ये छोटी छोटी बातों पे आपके मार्क्स कटते जाएंगे, तो इन सारी बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ जिससे गलतियाँ कम होंगी, आप ये काम मन में भी कर सकते हैं, ये भी काम मन में कर सकते हैं, बट शुरुआत में मत कीजिए, पहले कुछ समय तक, पहले कुछ क्वेश्चंस, 8-10 क्वेश्चंस आप पॉइंट के कम से कम जब आप कर रहे हैं तो आप ये पूरे स्टेप्स फॉलो कीजिए, जब आपको आदत पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे कि हाँ क्या चीज़ें हैं, कहाँ हमारा दिमाग जाना चाहिए, जब 10 बार आदत पड़ जाएगी तो दिमाग वहीं जाएगा जब क्वेश्चन आएगा, तो ठीक है, क्लियर, चलिए। तो ध्यान रखिएगा, बड़े ही इत्मीनान से क्वेश्चन करना, जल्दबाजी में नहीं, जल्दबाजी में करोगे हो सकता है 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो बट उसमें से आधे गलत हो जाएंगे, हो सकता है पूरे गलत हो जाए, और इत्मीनान से करोगे भले ही 4 की जगह, अगर आपने अच्छी तरह से किया तो आप पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे, बट अगर कोई दिक्कत भी हुई तो जो अटेम्प्ट किया वो सॉलिड होगा, ठीक है ना, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पॉइंट पी इज 35 mm बिलो HP एंड 45 mm बिहाइंड VP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा तेजी से करेंगे बट हम वो स्टेप फॉलो करेंगे, तो थ्योरेटिकल वाला भी आपको बता देता हूँ, क्वाड्रेंट, सबसे पहले जो क्वाड्रेंट फाइंड करना है, तो क्वाड्रेंट जो फाइंड करना 35 mm बिलो HP, HP से नीचे, HP से हम नीचे चले गए तो अब HP से नीचे तो थर्ड और फोर्थ ही होंगे, एंड 45 mm बिहाइंड VP, वर्टिकल प्लेन के पीछे, तो वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे एक ही क्वाड्रेंट बचता है और वो होता है थर्ड, आप विजुलाइज करिए और सोचिए इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू देखना है,
फ्रंट व्यू टॉप व्यू, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है तो टॉप व्यू ऊपर हो जाएगा और फ्रंट व्यू ऊपर हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे, ध्यान में रखिएगा। पिक्चोरियल अगर हम जा रहे हैं तो हमारा पॉइंट जो है वो 35 mm बिलो HP। अब देखिए, अब इस पिक्चर से नहीं चलेगा तो इसी को एक्सटेंड कर लीजिए, तो बिलो HP, HP से 35 mm बिलो HP ये पॉइंट है, और वर्टिकल प्लेन के पीछे, वर्टिकल प्लेन के पीछे 45 mm है। तो ये आपका पॉइंट है, ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, ठीक। अब आपको पता है कि हॉरिजेंटल घूम के ऊपर जाएगा, तो आपका हॉरिजेंटल प्लेन पर टॉप व्यू बनता है, टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे। सिंपल आपने एक्स वाई लाइन खींची, ठीक, एक्स वाई लाइन खींची, और उसके बाद फिर से आप क्या करेंगे, अब फिर से आपको ध्यान देना है, फिर से ध्यान दीजिएगा, ऊपर में टॉप व्यू है। यही दिक्कत होती है, फर्स्ट एंगल में बच्चों से दिक्कत नहीं होगी, और मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में वो हमेशा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही पूछेगा, क्योंकि उसे पता है कि आप फर्स्ट एंगल में गलती नहीं करोगे, थर्ड एंगल में तुरंत करोगे। और देखिए यहाँ गलती होने के चांसेस हैं, आप जैसे ही देखेंगे 35 mm, ये आप कहेंगे फ्रंट व्यू में दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, HP से जो दूरी है 35 mm, ये फ्रंट व्यू में ही दिखाई देगी, और हम यही सोच के जैसा पिछले किए थे इसको ऊपर बना देते हैं, बट चूंकि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, यहाँ फ्रंट व्यू नीचे हो जाता है, तो नीचे बनेगा। 35 mm कोई भी एक पॉइंट लीजिए, 35 mm मार्किंग कीजिए, एरो लगाइए, एक्सटेंशन लाइन कीजिए, 35 मार्क कर दीजिए, और इसी लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा बना है, फ्रंट व्यू बना है, और फ्रंट व्यू नीचे बना है, फ्रंट व्यू में हमेशा हम डैश लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कीजिए, ज़्यादा ही कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको 45 नंबर दीजिए, एक्सटेंशन लाइन खींचिए, और इस लाइन से प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, जो इस पॉइंट से ड्रॉ किया था उसको प्रोजेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टर हो गया, जहाँ जाके कट किया, ये वाला पॉइंट आपका पी हो गया। अब देखिए यहाँ ठीक पिछले वाले के उल्टा काम हुआ है, पी पॉइंट ऊपर और पी डैश नीचे, क्योंकि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, और आपको ये सब फ्रंट और टॉप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कभी कभी देखिए, ध्यान रखिएगा कि आपको चलिए अभी उसको बाद में और क्वेश्चंस में आएगा तो देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि थर्ड एंगल में हमेशा गलती होती है, और अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मान के चलिए कि वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही ड्राइंग बनाने को देगा, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि हम रट लिए कि नहीं थर्ड एंगल, अच्छा थर्ड एंगल देगा तो ठीक है, टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे, खत्म, रट लिए हम, नहीं नहीं दिमाग से चलिए, आप बिल्कुल याद रखिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कि अब हमने पता है हमें, तो हमको वो काम करने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा, कितनी जल्दी ये बन गया, स्केल स्केल होगा तो बिल्कुल एक्यूरेट आपको दिखाई देगा, क्लियर। पॉइंट का विजुलाइजेशन नहीं करा रहे हैं 3D में, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको वहां 3D में विजुलाइज नहीं करना है, वो समझाते समय करा दिया हमने, वो आपको बात समझ में आ रही होगी, ये पॉइंट कहां पे है, कैसे है, ठीक है, दिख भी रहा है 3D में बना के। तो ये क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग तरीके का कुछ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें आपके पास देखिए कह रहा है, फिगर शोज प्रोजेक्शंस ऑफ वेरियस पॉइंट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ईच पॉइंट, ऑल्सो टेल द क्वाड्रेंट इन ईच विच द पॉइंट लाई, ठीक है। अब इसमें आपको प्रोजेक्शंस बना के दिया है अलग अलग पॉइंट का, देखिए पी क्यू आर एस टी, तो फिगर देख के ये आधा आराम से आप पता कर सकते हैं कि ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक ही उस पर प्रोजेक्शन बना दिया, ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको कुछ बनाना नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं बनानी है। अब देखिए यही कहा जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग की खूबसूरती, देखिए उसने आपको ड्राइंग बना दी और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आपसे थ्योरी में कैसे बना के पूछ रहा है, ये है प्रोजेक्शन वो बना रहा है, आपको कुछ ड्राइंग नहीं बनानी है, ड्राइंग कोई नहीं बनानी, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं, थ्योरेटिकल है क्वेश्चन, थ्योरेटिकल बन गया, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन थ्योरेटिकल कैसे बना वो देखिए। अब इसमें आपको सारे पॉइंट्स देखने हैं, उनके प्रोजेक्शन के हिसाब से उल्टा काम करना है, आपको पॉइंट की सारी डिटेलिंग दी होगी, क्वाड्रेंट बताया, सब कुछ बताया, उसके बाद आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होता है, यहाँ प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया, आपको बताना है कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पिछले वाले दो हमने क्वेश्चन किए हैं, उस क्वेश्चन में जो डिटेलिंग देता है ना, वो डिटेलिंग आपको प्रोजेक्शन देख के बताना है, बिल्कुल
रिवर्स डायरेक्शन में काम करना है, उल्टी दिशा में। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं हमारे पास, ये है पहला पॉइंट हमारा। ठीक है, ये पॉइंट एक ही बना हुआ है और इस पे पी और पी डैश दोनों हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बारीकी समझिएगा, इसका मतलब हुआ कि इसी पॉइंट को इसने पी भी दिया और पी डैश भी दिया। मतलब जो इनका दोनों पॉइंट का जो प्रोजेक्शन ड्रॉ हुआ है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, वो दोनों क्या हुआ, कॉन्साइड कर गया एक ही पॉइंट से, रिजेंबल इसी के ऊपर पी के ऊपर ही पी डैश। बात समझ में आ रही, मतलब दोनों पॉइंट, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हैं, ठीक है, पॉइंट एक ही है, दोनों का प्रोजेक्शन कॉन्साइड कर गया, एक ही जगह पे आ रहा है। अब ये बात कैसे होगी, ये समझने वाली बात है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई सा भी ये है, ठीक है, कोई सा भी ये 3D में क्वाड्रेंट है, ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आप कहें कि सर ये इसी पे आ जा रहा है, तो इस VP पे बना दें, इस ये जो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन पे पॉइंट आ जाए, तो क्या होगा, उसकी HP से दूरी क्या होगी, VP से दूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और VP से दूरी जीरो हो जाएगी तो फ्रंट व्यू कहाँ आ जाएगा, जीरो डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है, फ्रंट भाई VP से उसकी दूरी जीरो, ये वाली दूरी जीरो हो गई, तो टॉप व्यू में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि टॉप व्यू जो ऊपर से आप देखेंगे तो इसकी डिस्टेंस तो VP से जीरो है, तो नीचे कोई डिस्टेंस नहीं, यही वो पॉइंट हो जाएगा। बट इसकी दूरी HP से तो दिखाई दे रही है, तो HP से तो दूरी हो गई, तो ये वाला तो नहीं है, ये दोनों पॉइंट कॉन्साइड नहीं कर रहे। अब अगर मान लीजिए कि हम HP में पॉइंट कर रहे हैं, तो इसकी HP से दूरी जीरो हो गई, तो जो आप फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको ये पॉइंट फ्रंट व्यू से आप देख रहे हैं, तो इसकी HP से कोई दूरी दिखाई नहीं दे रही है, तो HP पे ही है, तो यही पॉइंट बन जाएगा फ्रंट व्यू, चलो एक तो हो गया। बट जैसे ही आप टॉप से देखेंगे तो VP से इसकी कुछ दूरी आपको दिखाई दे रही है, तो ये भी नहीं है। तो अब क्या करें, इस पे रख रहे हैं तो भी नहीं बन रहा, इस पे रख रहे हैं तो भी नहीं बन रहा, तो इस पॉइंट को हम कहां रख देंगे, सीधे इस XY लाइन पे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप टॉप से देखें या फ्रंट से देखें, दोनों जगह से XY लाइन पे ही कॉन्साइड होगा ये। इसको कहते हैं, देखिए इसके दो तरीके हैं कहने के, ये कह सकते हैं कि पॉइंट लाई ऑन XY एक्सिस, XY लाइन। बट इससे अच्छा इसके कहने का तरीका होता है, आप आंसर में लिखेंगे पहला जो क्वेश्चन है पहले का, तो पहला द पॉइंट पी लाइज का मतलब पाए जाते हैं, लाइज इन बोथ द प्लेन्स, मतलब ये पॉइंट प्लेन में ही है, दोनों प्लेन में, और दोनों प्लेन में तभी आएगा जब ये दोनों के इंटरसेक्शन पे रहे, भाई ये दोनों प्लेन, हम कहें कि अभी मैंने कहा ना कि इस प्लेन में हमने पॉइंट को रखा तो देखा नहीं इसकी दूरी इससे आ रही है, इस प्लेन में रखा तो इसकी दूरी इस प्लेन से तो आ रही है, दोनों से जीरो कब होगी, जब ये यहां पे होगी, और यहां पे होने का मतलब ही है, ये हम कब कहेंगे कि ये पॉइंट दोनों प्लेन में है, जब वो दोनों के इंटरसेक्शन पे होगा, जब इंटरसेक्शन पे होगा तो ये पॉइंट इसमें भी गिना जाएगा और ये पॉइंट इसमें भी गिना जाएगा। तो टेक्निकल टर्म्स में याद रखिएगा, इसको कहने का तरीका ये है, पॉइंट पी लाइज इन बोथ द प्लेन्स, क्लियर, पॉइंट पी जो है वो दोनों प्लेन में लाई कर रहा है, और दोनों प्लेन में एक ही कंडीशन में लाई कर सकता है जब वो दोनों के इंटरसेक्शन पे हो, और दोनों के इंटरसेक्शन को XY कहते हैं। तो आपने पोजीशन बता दी, अब ध्यान रखिए कि आप इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि लाई वो इस पे भी कर सकता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, क्योंकि वो XY लाइन पे ही है, बोथ द प्लेन्स का मतलब हुआ कि वो XY लाइन पे है, तो इसका क्वाड्रेंट डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिन पे ही है, सेंटर ओरिजिन वाली लाइन पे है, सेंटर पे है, ठीक है ना, एक्सिस पे है। तो यहाँ प्लेन आपको बस बता देना है कि दोनों प्लेन में है, कोई आपको क्वाड्रेंट नहीं बताना है। सेकंड पॉइंट पे आएंगे, सेकंड पॉइंट आप देखिए, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, क्यू डैश ऊपर और क्यू नीचे, क्यू डैश मतलब फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे, तो ये तो मान के चलिए कि फ्रंट व्यू अगर ऊपर है, टॉप व्यू नीचे है, और टॉप व्यू नीचे बन रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप तो देख के बता देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पॉइंट क्यू इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आप ये लिखेंगे, एंड पॉइंट पाया जाएगा 40 mm
बिलो 40 फ्रंट व्यू में, ये कौन सी दूरी दिखाता है बताइए? फ्रंट व्यू में जो 50 mm दिखता है, फ्रंट व्यू में हम कौन सी दूरी देखते हैं उसकी? हॉरिजेंटल प्लेन से। तो 40 mm इन फ्रंट ऑफ, ये जो 40 mm है ये फ्रंट से दूरी बताता है, बट व्यू कौन सा है? टॉप व्यू। ये ध्यान रखिएगा, टॉप व्यू में जो बन रहा है वो दूरी फ्रंट से दिखाता है। भाई ऊपर से जो देखेंगे आप, ये देखिए ऊपर से जब आप देखेंगे तब मैं आपको बताया कि वीपी से कितनी दूरी पे है, तो फ्रंट की दूरी ऊपर से दिखाई देती है। ये हमारा वीपी है, ये हॉरिजेंटल प्लेन, इधर ये वाला हॉरिजेंटल प्लेन है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। तो हम ऊपर से देखेंगे ये दूरी, ये देखिए ये दूरी, ये कौन सी दूरी है? वर्टिकल प्लेन से दूरी, फ्रंट से, फ्रंट ये है फ्रंट व्यू में, फ्रंट से दूरी वीपी के फ्रंट पे, वीपी के फ्रंट ऑफ वीपी के बिहाइंड। तो फ्रंट की दूरी हमें कहाँ से दिखाई देगी? ये देखिए ये वाली दूरी कहाँ से महसूस होगी? अगर आप फ्रंट से देख रहे होंगे तब तो आपको महसूस देंगे ऊपर से ही महसूस होगी ये दूरी, टॉप व्यू से। तो देखते हैं हम दूरी फ्रंट से है, बट वो ड्रॉ किस में करते हैं? टॉप व्यू में। तो 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड 50 mm अबव एचपी, एचपी से 50 mm ऊपर। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये आप जहां से बैठे आप फ्रंट में हैं, आप ही फ्रंट में हैं, तो फ्रंट वाली चीज ये जो दूरी है एचपी से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितनी दूरी है, ये वाली दूरी कहां से नजर आएगी? फ्रंट से। आप फ्रंट में बैठे हैं, आपको ये दूरी पूरी साफ साफ नजर आ रही है, बट ये वाली दूरी देखिए बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, तो ये दूरी आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लाइन आपकी जो देखने वाली लाइन है उससे कॉन्साइड कर रही है। ये असली कैसे देखिए, जब ऊपर से देखेंगे आप तो साफ साफ दिखाई देगी कि हाँ ये इतनी दूरी है, ठीक। और ये वाली जो दूरी है ये फ्रंट से दिखेगी। तो ये मैंने पहले भी बताया था, तो बस ये वाली चीज ध्यान रख के बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखें, थर्ड में अगर हम आर पॉइंट को देख रहे हैं तो आर पॉइंट में दोनों व्यू नीचे बन रहे हैं, ठीक है, दोनों व्यू नीचे बन रहे हैं। तो आपको याद होगा कि ये देखिए ये आपका सॉरी ये आपका जो एक्सिस होता था ये इस तरीके से फोर क्वाड्रेंट्स, तो दोनों व्यू नीचे किस में बनते थे? अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और मैंने बताया था कि हमेशा 90 डिग्री ही रोटेट होगा, वो भी कौन सी दिशा में? क्लॉक की दिशा में, घड़ी की दिशा, तो घड़ी की दिशा में। और हमेशा हम एचपी को ही रोटेट कराते हैं क्योंकि वर्टिकल प्लेन तो ऐसे है ही, वर्टिकल है ही, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 2D में बनाने में दिक्कत है, तो इसी को हम रोटेट कराते हैं। और इसको 90 डिग्री, इस वाले प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करा दिए तो ये जाके क्या करेगा? वीपी से कॉन्साइड कर जाएगा, दोनों ही नीचे, वर्टिकल प्लेन भी नीचे, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी नीचे, मतलब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों नीचे बनेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप लिखेंगे पॉइंट आर इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड लाई कहाँ पाया जाएगा? देखिए 40 mm ये कौन सा व्यू दे रहा है? ये टॉप व्यू, क्योंकि डैश नहीं लगा है, कई चीज़ों को पहचानना पड़ेगा, डैश नहीं लगा तो ये टॉप व्यू है। और टॉप व्यू में दूरी कौन सी दिखाई देती है? फ्रंट वाली, फ्रंट वाली दूरी, फ्रंट से वर्टिकल प्लेन से कितनी दूरी, तो वर्टिकल प्लेन से कितनी दूरी है ये टॉप व्यू में दिखाई दे रही है, टॉप व्यू में। तो आप कहेंगे लाई 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी से 40 mm आगे, एंड 60 mm बिलो, ध्यान रखिएगा ये नीचे है एचपी से, नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो बिलो 60 mm बिलो एचपी, एचपी से 60 mm नीचे, अब वो फ्रंट व्यू में दिखाई देगा। एचपी से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे कितना नीचे है ये दूरी आपको फ्रंट से तो दिखाई देगी, तो फ्रंट व्यू, और इसका फ्रंट व्यू नीचे बन रहा है। और फ्रंट व्यू में कौन, फ्रंट व्यू में जो दूरी होती है वो किससे दिखाई, किस चीज से दूरी बताई जाती है? एचपी से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 60 mm नीचे ये दूरी हमने, हॉरिजॉन्टल प्लेन से दूरी कितनी है? 60 mm हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे की तरफ है, ये बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ देखें, चौथा तो पहले वाले का उल्टा, ये हमारा जो अगला, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वो है थर्ड क्वाड्रेंट वाला बना हुआ, ध्यान से देखिएगा, इसमें टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे बन रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है
और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो पहले तो लिखेंगे पॉइंट एस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड लाई, लाई भी बात वही है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट लाई कहाँ पे लाई करेगा? देखिए ये वाला क्या है, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, तो फ्रंट व्यू में जो दिखेगा, फ्रंट व्यू में जो सामने से दिखता है वो एचपी से दूरी होती है, एचपी से दूरी होती है, तो ये एचपी से दूरी लिखिए चाहे ये वाली, तो कोई भी आप पहले बाद में लिख सकते हैं, तो आप लिख देते हैं 16 mm, 16 mm थर्ड क्वाड्रेंट है, बिलो होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, बिलो होगा, बिलो एचपी, एचपी से 16 mm नीचे एंड 55 mm बिहाइंड, ये पीछे ही होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो वर्टिकल प्लेन से पीछे, बिहाइंड वीपी, बिलो बिहाइंड फ्रंट अबव, ये सारे चारों वर्ड्स मैंने पहले ही बताए थे जो प्रोजेक्शन बता रहा था, ये चारों वर्ड्स ध्यान रखिएगा कैसे लिखना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं, पांचवा, ठीक है, पांचवें वाले में टी पॉइंट को देखिए, इसके दोनों व्यू एक्स वाई लाइन से ऊपर हैं, मतलब इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ही एक्स वाई लाइन के ऊपर बन रहा है, ऐसा कब होगा? देखिए अगर इस वाले क्वाड्रेंट, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कोई पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और हमने हमेशा कहा था हॉरिजॉन्टल प्लेन ही रोटेट करेगा, फिर घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे घूमती है घड़ी की दिशा में, तो एचपी को घड़ी की दिशा में घुमाइए, ये जाके वर्टिकल प्लेन से कॉन्साइड कर जाएगा, दोनों ही चीज़ें एक्स वाई लाइन के ऊपर हो जाएंगी, फ्रंट व्यू भी और टॉप व्यू भी ऊपर अगर बन रहा है इसका मतलब हमारा पॉइंट कहाँ है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ध्यान रखिए, देखिए हम कैसे पता कर रहे हैं क्वाड्रेंट, सो पॉइंट टी इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, पॉइंट टी इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में है टी, और लाई कहाँ करेगा? लाई देखिए टी, अब ये देखिए जहाँ डैश नहीं लगा वो टॉप व्यू है, और टॉप व्यू में, टॉप व्यू में ऊपर से जब देखते हैं तो हमें दूरी कहाँ से मिलती है? फ्रंट से, टॉप से हम देखते हैं तो फ्रंट दूरी मिलती है, तो 20 mm वर्टिकल प्लेन से पीछे, ध्यान रखिएगा देख हम फ्रंट रहे हैं तो बिहाइंड, पॉइंट इज इन, पॉइंट टी इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, लाई 20 mm बिहाइंड, 20 mm बिहाइंड वीपी, वीपी से 20 mm पीछे एंड 56 mm अबव एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 56 mm ऊपर, तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 56 mm ऊपर, तो ये वाली दूरी फ्रंट व्यू से दिखेगी, और फ्रंट व्यू टी डैश से, तो ये फ्रंट है, बिल्कुल हमने सही लिखा है, बात समझ में आई? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और देखिए कितनी बारीकी से आपको चीज़ें समझ में आ जाए, अगर आपने इसके पहले वाले सवाल और ये सवाल बिल्कुल आपने अपने मन से कर लिया तो समझ जाइए कि आपको पूरा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स लगभग आ गया, ठीक है ना, 70% आ गया, ठीक, कुछ और चीज़ें बची हैं वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें दोनों रिवर्स ऑर्डर हमें पूरा क्लियर पता होना चाहिए, ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन था कि प्रोजेक्शन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन बनाइए, समझ में आ रहा है, या मतलब पोजीशन बताइए, वही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है जो 30 mm अबव एचपी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, एंड पॉइंट क्यू, दूसरा पॉइंट है क्यू इज इन द एचपी एंड 50 mm बिहाइंड द वीपी, 50 mm बिहाइंड द वीपी, द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर्स इज 60 mm, draw the projections of the points, also draw a straight line joining their top and front view, ठीक है। देखिएगा ये बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान से इसको कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए सबसे पहले आप प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब अगर आप पहला स्टेप जो आपने बताया था वो स्टेप्स फॉलो करना चाहते हैं तो पी पॉइंट के लिए पहले क्वाड्रेंट देख लीजिए, 30 mm above HP and 40 mm in front of VP. तो above HP और front, 30 mm above HP, HP से ऊपर, 40 mm in front VP. तो एक तो point आपका P कहाँ हो जाएगा, first quadrant में काम खत्म। Point Q is in the HP and 50 mm behind the VP. जो vertical plane है उससे behind और
इज इन द एचपी. इन द एचपी का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, इन द एचपी का मतलब क्या हुआ, एचपी से उसकी दूरी नहीं दी हुई है, सिर्फ वीपी से दूरी हुई है. तो वीपी से दूर 50 एमएम कहीं है, 50 एमएम कहीं दूरी पे है. अब वो इन द एचपी का मतलब एचपी हॉरिजेंटल प्लेन में. अब दोनों कंडीशन पर, हॉरिजेंटल प्लेन में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट 50 एमएम बिहाइंड द वीपी उसी पॉइंट की दूसरी पोजीशन है. तो 50 एमएम बिहाइंड मतलब पीछे, यहाँ कहीं ये पॉइंट होगा आपका क्यू. ठीक है, तो हम इस पॉइंट को कह सकते हैं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि बिहाइंड है. ठीक है, और पीछे, पीछे सेकेंड या थर्ड हो सकते हैं, बट उसने कहा एचपी में है इसलिए हम इसको सेकेंड क्वाड्रेंट लेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स बन गए. दोनों के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट का दोनों ऊपर बनेगा, इसका एक ऊपर एक नीचे. तो पहले पी का ड्रॉ करते हैं. पी जो है वो हमारा 30 एमएम अबव एचपी. एचपी से कितना ऊपर है ये फ्रंट में दिखता है. काम ख़त्म. तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा. आप एक डायमेंशन लाइन आपने ड्रॉ की, एक्सटेंशन लाइन उस पर ड्रॉ की. ठीक है, इसको मार्क किया 30 और यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया आपने पी डैश. ये फ्रंट व्यू हो गया. ठीक है, अब यहाँ से दूसरा भी दिया हुआ है 40 एमएम नीचे. ये आपने मार्क किया, डायमेंशन लाइन खींची, इस पर प्रोजेक्टर ड्रॉ किया. ठीक है, और ये पॉइंट आपको मिल गया पी. तो पहले पॉइंट का तो पी आपने ड्रॉ कर लिया. अब आपको क्यू पॉइंट ड्रॉ करना है. क्यू पॉइंट ड्रॉ करना है तो आप कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? आप ड्रॉ तो वैसे कहीं भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपको सब चीज़ें भी दी हुई हैं, बन भी जाएगा. बट क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा रहेगा द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर्स इज 60 एमएम. प्रोजेक्टर्स, दोनों के जो प्रोजेक्टर्स हैं, दोनों पॉइंट के पी और क्यू के, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 एमएम है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन अपना ड्राफ्टर लाएंगे, इस पॉइंट पे कहीं भी रख के इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे कितना, इसको 60 mm, 60 आप ऐसे बढ़ाएंगे, ये डायमेंशन दे देंगे, और इस पॉइंट पे आप मार्क कर लेंगे, और इस पॉइंट पे आप कहीं भी ऐसे एक लाइन खींच देंगे. इसी लाइन पे आपका क्यू का सारा प्रोजेक्शन आएगा. बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे ये आपका ओरिजिन हो गया. अब आपको कह रहा है कि पॉइंट क्यू इज़ इन एचपी एंड 50 एमएम बिहाइंड द वीपी, वीपी से बिहाइंड. तो वीपी से फ्रंट या बिहाइंड जो है वो टॉप व्यू से दिखता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों ऊपर ही बनता है, तो ऊपर ही आपका टॉप व्यू बनेगा. तो 50 एमएम ऊपर मार दीजिए. ऊपर गए, 50 एमएम नापा, ये हमने डायमेंशन लाइन खींची, एक्सटेंशन लाइन, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा इधर से ही करना है. 50 एमएम इधर कर दिया, ये हमारा पॉइंट हो गया. अब ये पॉइंट का नाम क्या होगा, क्यू है. और ये कौन सा हम बना रहे हैं, ध्यान रखिए, 50 एमएम बिहाइंड वीपी, ये टॉप से दिखेगा, ये टॉप व्यू है, इसका नाम होगा क्यू डैश. ठीक है, क्यू डैश नाम होगा क्योंकि ये सॉरी ये टॉप व्यू है, क्यू होगा. ठीक है, क्यू होगा. और जब हम फ्रंट से देख रहे होंगे, इधर से फ्रंट से जब देखेंगे तो ये पॉइंट तो इसी में नज़र आएगा, इसी पॉइंट पे. तो क्यू डैश जो होगा वो हमें फ्रंट व्यू में क्यू डैश, सॉरी ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया हमने जल्दी में, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा स्मॉल लेटर से किया जाता है. तो ये क्यू और ये आपका क्यू डैश हो गया. तो ये आपका क्यू डैश और ये क्यू, क्यू डैश इसमें कहा है कि ऑल्सो. ठीक है, ये आपका सारा प्रोजेक्शन बन गया, क्लियर, पूरा प्रोजेक्शन हो गया. अब इसकी कोई डिस्टेंस ही नहीं है तो एक ही डिस्टेंस यहाँ बनेगी. ये आपका सारा हो गया 60 एमएम, दोनों प्रोजेक्टर, सारी बातें हो गई. जो क्वेश्चन कह रहा था वो हमने सॉल्व कर लिया, बट अभी वो एक और बात कह रहा है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द पॉइंट्स, ऑल्सो ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप एंड फ्रंट व्यू. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए जो दोनों के फ्रंट और टॉप को जोड़े, दोनों के. ठीक है ना, ऑल्सो ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देयर, इन दोनों के फ्रंट और टॉप को जोड़े, फ्रंट एंड टॉप. तो फ्रंट को टॉप से जोड़ना है तो ध्यान रखिएगा कि इसका फ्रंट ये है, इसका फ्रंट ये है, और इसका फ्रंट यहाँ है. प्रोजेक्शन ये पॉइंट है, लाइन इनको भूल जाइए, अब सिर्फ पॉइंट्स हैं, पी पी डैश और क्यू क्यू डैश. तो ध्यान रखिए, दोनों के टॉप को जोड़ना है, दोनों के फ्रंट को जोड़ना है. तो इसका टॉप यहाँ और इसका टॉप यहाँ, दोनों के टॉप टॉप को जोड़ दीजिए स्केल लेके,
प्रोजेक्टर का वो लेके स्केल ले लीजिए, स्केल से भी हो जाएगा, या वैसे आपके पास ड्राफ्टर, ड्राफ्टर ही हमेशा यूज़ करना चाहिए, और दोनों के फ्रंट को जोड़ दीजिए, बस ये पूरा आपका ड्राइंग हुआ। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी में ये पढ़ना ही भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, नंबर उसका भी कट जाता है, ठीक है, और जल्दी जल्दी में प्रोजेक्टर्स भी भूल जाते हैं, जो भूलेंगे वो नंबर कटता जाएगा। कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे ड्रॉ करना है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। इसको अभी मैं कह भी रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद, समझने के बाद पॉज कीजिए, ये मत देखिए सिर्फ क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पॉज कर दीजिए, बिना देखे आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात, आप सीख गए, नहीं हो रहा दोबारा समझिए, फिर से ड्रॉ कीजिए, ठीक है, चलिए।